हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जो कि दोस्तों काफ़ी टाइम से सोया हुआ है और अब दोस्तों ये जाग चुका है और एक अच्छे खासे ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पर गजब के दोस्तों टारगेट दिए हैं इसको। और पूरी न्यूज़ क्या है आपको डिटेल में समझाऊंगा और यहाँ पर आपको टेक्निकल चार्ट पे समझाऊंगा। यहाँ पर एक यू नो पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है जिसकी वजह से मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ से अपसाइड देता हुआ दिख रहा है और इस अलॉन्ग विद द न्यूज़ यहाँ पर हमको एक इसका कन्फर्मेशन मिल रहा है कि ये जो है काफ़ी ऊपर जा सकता है। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों HDFC AMC की। पूरी न्यूज को समझाने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने यहां पर जो है अपग्रेड किया है अपने टारगेट ओवरवेट और यहां पर अपसाइड दिखाई है 40% की। और ये न्यूज़ आप देखिए 8 दिसंबर की है, मतलब अभी 2-3 दिन पहले की है। तो अभी हम न्यूज़ पे अगर चलें तो न्यूज़ पे आप देखिएगा कि यहाँ पर जो है इन्होंने अपसाइड टारगेट दिए हैं करीब 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 आप देखेंगे 40% के। तो यहाँ पर आप देखिए मॉर्गन स्टैनली हैज अपग्रेडेड HDFC AMC फ्रॉम इवन वेट टू ओवर वेट और यहाँ पर टारगेट प्राइस दिए उन्होंने 3130 फ्रॉम 2235। देखिए 2235 अब ये नहीं है, हालांकि अभी 2800 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये 2235 से यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से काफ़ी अच्छा अपसाइड बचा हुआ है। अभी आपको टेक्निकल चार्ट पे समझाऊंगा तो आपको यहाँ से और अच्छा यहाँ पर इंसाइट मिलेगी और अच्छा समझ में आएगा। और दोस्तों ये एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा बिजनेस है, ये आगे ग्रो करने वाला है अपना। देखिए डेवलपिंग नेशन है और डेवलपिंग नेशन है तो ये डेवलप्ड कभी ना कभी होगा और जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आएगी दोस्तों यहाँ पर जो है अच्छा खासा इसको जो है पेनिट्रेशन मिलने वाला है। अभी जो है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन बहुत कम है तो यहाँ पर दोस्तों मुझे लगता है कि ये अभी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, अच्छे खासे सस्ते लेवल पर ये हमको मिल रहा है। तो अगर आप यहाँ पर पोजिशन बनाना चाहते हैं तो ज़रूर बना सकते हैं। तो अगर मैं आपको न्यूज़ पे दिखाऊं तो देखिए वी फोरकास्ट, मतलब मॉर्गन स्टैनली बोलते हैं कि EPS ग्रोथ ऑफ 20% इन FY22 एंड 18% इन FY23, दस वी अराइव एट आर प्राइस टारगेट ऑफ 3130। तो यहाँ पर ये EPS ग्रोथ जो फोरकास्ट कर रहे हैं उसकी वजह से इन्होंने जो है टारगेट यहाँ पर अपने 3130 के दिए हैं, इम्प्लाइंग 22% अपसाइड फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस। देखिए आर बुल के सिनेरियो वैल्यू ऑफ 5215, अगर बुल के सिनेरियो में बात करें तो यहाँ से देखिए अब टारगेट गजब के हैं 5215, 103% की अपसाइड है। इट अज्यूम्स एन EPS CAGR ऑफ 24% एंड टारगेट PE मल्टीपल ऑफ 45x 45 टाइम्स। तो यहाँ पर बुल केस में भी देखिए कितने ऊपर के टारगेट इन्होंने दिए हुए हैं। और अभी आपको टेक्निकल चार्ट पे लेके चलता हूँ दोस्तों मैं, तो अभी आपको मैं आपको यहाँ पर पैटर्न जो समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसका जो 3800 का जो है इसका ऑल टाइम हाई है तो वहाँ से अभी ये करीब करीब जो है 35% हमको करेक्टेड प्राइस पे मिल रहा है। अभी ये चल रहा है 2800 के आसपास, तो अभी अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी हमारे पास बनी हुई है। तो ये पहला पॉइंट था। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो पहला पैटर्न जो इसमें बन रहा है दोस्तों वो है इस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट। तो आप देखेंगे तो ये जो जोन में है काफ़ी टाइम से ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो अब इसने जो है ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है दोस्तों। तो ये कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट है और ये उसका ब्रेकआउट था कंसोलिडेशन जोन का, वो था 2729, तो करीब 2750 के आसपास आप मानिए जो इसने ब्रेकआउट दिया है और अब ये 2838 पे ट्रेड कर रहा है। ये था पहला पैटर्न। और दूसरा पैटर्न दोस्तों इसका जो मुझे सबसे अच्छा लगता है वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो है इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पर अगेन अगेन। ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर ये देखिए काफ़ी टाइम जो इसका अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, पास्ट में भी यहाँ देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ इसने सपोर्ट लिया काफ़ी टाइम, फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया पेंडेमिक के बाद, फिर यहाँ से एक बार फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी फिर नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश करी फिर नीचे आ गया, फिर जाने की कोशिश करी फिर नीचे आ गया। अब फाइनली दोस्तों इसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है और अब ये यहाँ पर अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉल्यूम भी आ रहा है। तो ये दो पैटर्न है, पहला तो है कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट, दूसरा है राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट। अब यहाँ से देखिए पहला टारगेट जो है इसका जो मैंने लगाया हुआ है वो है करीब करीब 3156, जो मॉर्गन स्टैनली ने भी बताया है करीब करीब 3123 के आसपास, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारा दोनों का टारगेट। तो यहाँ से आप अपसाइड देखेंगे तो 11% की जो करंट मार्केट प्राइस से है वो 11% की अपसाइड आपको शॉर्ट टर्म में, वेरी शॉर्ट टर्म में मिलने वाली है। और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा 3156 होगा और इसका ऑल टाइम दोस्तों हाईएस्ट जो है 3800 है, वहाँ से आपको टारगेट मिलेंगे 35% के। तो ये दोस्तों यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, मुझे ऐसा लगता है करीब करीब 1 साल में आपको ये जो है
अपने ऑल टाइम हाई की ओर जाता हुआ दिखेगा। और शॉर्ट टर्म में दोस्तों ये 11% के रिटर्न मुझे लगता है कि करीब करीब 1 महीने में आपको मिलने चाहिए, ऐसी रिसर्च और एनालिसिस के बेस पर मैं कह रहा हूँ। हालांकि आप एक बार अपना रिसर्च और स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा। और मुझे लगता है दोस्तों फ्यूचर का ये मल्टीबैगर हो सकता है, जैसे पेनिट्रेशन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का बहुत कम है और आने वाले समय में HDFC AMC बहुत बड़ा एक जो है लीडर बन सकता है इस इंडस्ट्री का, इस सेक्टर का। और ये HDFC ग्रुप को भी बिलोंग करता है, तो यहाँ से दोस्तों इसको जो है पॉजिटिव इसके पास बहुत सारे हैं और नेगेटिव बहुत कम है। डाउन साइड अब इसकी लिमिटेड है, अपसाइड इसकी ओनली दिखती है। तो ये था पूरा एनालिसिस, आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट क्वेश्चन है आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और आप दोस्तों इस स्टॉक को अगर परचेस करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आप इसको करंट मार्केट प्राइस पे भी ज़रूर इसको परचेस कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म होराइजन आपका होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में ये मल्टीबैगर बन सकता है। मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं, करीब 2 महीने पहले मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट हुआ था मैंने आपको बताया था, और आज मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पर ब्रेकआउट है। अब इसके टारगेट जो है फर्स्ट है 3156, और जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा करीब करीब इसका ऑल टाइम हाई होगा 3800। तो ये था आज का वीडियो, आई होप अच्छा लगा होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।